रिलीज लाइक ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, कुछ काम करने को ही मन नहीं करे, पड़े ही रहे, कभी भी सोते रहे, डिप्रेस एकदम माइंड काम नहीं करे। पत्नी बोले ये क्यों, स्लीप लाइक दिस हाउ द फूड विल कम टू अवर होम, गो एंड डू सम वर्क अदरवाइज वी विल स्टाइल फॉर फूड। कहता मेरे को काम धंधा कुछ करने का मेरे से होता नहीं है, मैं सोता रहूंगा, मेरे से यही होगा। ये बहन उमिया माता की परम भगत है जो इसकी पत्नी है, वो माँ को आके प्रार्थना करती है, माँ दुखियों की दुख दूर करने वाली जगदम्बा मेरे घर में ही क्या विपत्ति आ गई, इसको दूर करना, इस परेशानी को दूर कर दे। कितना ही समझाए पति काम में जाने तैयार थे, पति कहता है कि नो आई डोंट लाइक टू वर्क, आई एम इन डिप्रेशन। तब पत्नी सोचती है कि इसको किसी न किसी काम में लगना चाहिए, तो देखती है कि नेबर जो है ये रमेश भाई का नेबर, वो रोज यहाँ कार लेके उमिया माँ का दर्शन करना एक नियम लगा के, ये सोचती है कि देखो ये उमिया माँ के पास रोज नहीं जाता मेरा पति डिप्रेशन में है, लेकिन ये नेबर जो जा रहा है तो मैं एक आइडिया करूं कि कम से कम इससे इसका कांटेक्ट होगा, तो धीरे धीरे इसको भी जाने का मन करेगा, भगवान की कृपा करेगी तो इसका भी डिप्रेशन भी मिट जाए। इसलिए पति को कहती है सुनो लिसन माय वर्ड्स, तुम मत जाओ भाई, मैं एक बार तुमको कहना चाहती हूँ कि तुम मत जाओ उमिया माँ के धाम, लेकिन ये जो नेबर है ना ये रोज तुम बाहर बैठ के वो जो कार में निकलता है दर्शन के लिए तुम उसका फेस दर्शन कर लो, इतना भी करो तो मेरे को हेल्प रहेगा, क्योंकि जो मंदिर जाके आता है उस भक्त का दर्शन करना भी तो बाकी हो जाता है उस भक्त के दर्शन। अब यहाँ अब रमेश ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपन इस बाहर बैठे बैठे किसी का मुंह देखना अपने को क्या करने पड़ता है। पत्नी ने कह दिया यू डोंट सी हिज फेस आई विल नॉट गिव द फूड ऑफ द डे, उसका चेहरा देखो तो तुमको रोटी मिलेगा, नहीं तो तुमको रोटी नहीं मिलेगी। अब इसके लिए तो ये मजबूरी हो गया, और वो आदमी रोज ऑफिस जाने के पहले उमिया धाम आके माँ का दर्शन करके फिर भी करता है, तो जैसे ही कार लेने के लिए बाहर निकलता है इसने बाहर ही एक चेयर लगा लिया, बाहर सुबह सुबह मालूम है कितने बजे निकलता है उस समय बैठा रहता है, जैसे ही वो निकलता कार में उसका चेहरा देख के घर में चिल्लाता है मैंने चेहरा देख लिया मैंने चेहरा देख लिया। अब जैसे ही चिल्लाए पत्नी उसको सुबह का बेड कॉफी है ब्रेकफास्ट है जो देना है, अब ये आदत पड़ गया, लेकिन इसका डिप्रेशन तो मिला, डिप्रेशन तो माँ को रोज बोलती है माँ तो कुछ तो कर मेरा आदमी जॉब करे, ये जरूरी नहीं कि हम अमेरिका में हैं तो अमेरिका में हर प्रकार से हम सुखी हैं, गारंटी नहीं। अमेरिका में मैं आके देखता हूँ यहाँ भी कितने फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी कोई दुख कम नहीं है। इसलिए जो इंडिया में बैठी है सौराष्ट्र में उमिया माँ वो बोलती है तू अमेरिका चले गया लेकिन तेरा दुख नहीं गया तो मैं तेरे पास आऊंगी वो दुख मिटाने के लिए, मैं भी आके अमेरिका में बैठ गई। तो एक दिन ऐसा हुआ ये जो नेबर था ना नियम क्या था बताओ, बराबर सुना कि नहीं, मैं पूछता हूं क्या नियम था बैल करो। ये जो नेबर था ये एक एग्रीकल्चरिस्ट था किसान, यही अमेरिका में कोई 100 माइल्स दूर उसका बहुत बड़ा जमीन था, वो सुबह जाता शाम को आता, एक दिन ऐसा गया उसको काम कोई बड़ा काम कुछ खड़ा खोदने का, उसने नाइट में रहना पड़ गया, वो आया ही नहीं वापस। अब ये अगले दिन सुबह बैठ बैठते वो देखता है कि वो आवे तो देखो नहीं तो मेरे ब्रेकफास्ट नहीं मिले। अब वो जैसे ही बैठे बैठे देखे 8 बज गए, 8:30 सुबह का 9 बज गया, 9:30 10 बज गया, 10:30 11 है तो आए ना घर में है तो आए ना घर में नहीं है तो कहां से आए। अब ये पत्नी को बोलता है वो आदमी बाहर नहीं निकला है मेरे को ब्रेकफास्ट दे दो,
वो बोलती है तुमने आलस किया होगा, कहीं बैठे होगा जरीना, उसका चेहरा देखो तो मैं रोटी डालूंगी। बोलती के नहीं तो जाओ उसका चेहरा देखो, वरना मैं रोटी नहीं डालूंगा। अब इसको भूख इतना लगे क्योंकि बड़े बड़े खा के आदत पड़ गया, तो मेहनत करता है ना, उसको आधा घंटा बात भी होगी तो चलेगा, तो भोगट पेट है उसको पैंट टू पैंट चाहिए। आप सोच के देखो जो मेहनत करता है वो एडजस्टमेंट भी करेगा, क्योंकि उसका मेहनत उसको एक पेशेंस देता है, एक कंट्रोलिंग कैपेसिटी देता है। कौन बराबर टाइम टू टाइम खाते हैं आप ही बताइए, जो कोविड में है उसको खाता है, सोचो आप सही है कि नहीं। देखो अब ये कोविड बेटा इसको भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को खाना चाहिए, पत्नी बोले कंडीशन इज कंडीशन, इफ आई कंडीशन टू यू सी नेबर्स वेज देन ओनली आई विल गिव द फूड, देन इट इज द कंडीशन आई विल नॉट गिव द फूड। अब ये परेशान हो रहा है, अब सहन नहीं हुआ तो सीधा नेबर के घर ही चले गया, उधर जाके डोर टक टक कर रहा, नेबर की पत्नी को दरवाजा खोली बोलती है ऑफिस में ओके वेयर इज योर हस्बैंड, वो तो कोई काम से गए, काम से गए रोज तो बराबर सुबह 9 बजे मेरे को बाहर निकल के दिखते आओ कहां गए। अरे उनकी जो जमीन है उस जमीन में बहुत बड़ा काम है, तो उस काम को करने के लिए गए शायद 4-5 दिन भी लगे, क्योंकि हमारे जमीन में ड्रिल का खुदाई हो रहा है। क्या हो रहा है? कुएं का खुदाई हो रहा है, वो खुद उधर देखने गए, तो अब गारंटी नहीं है कि कब वो पूरा होगा न कब आएंगे। कहते 4 to 5 days आप मन भी आई के नॉट से ओ माय गॉड, ये 5 दिन नहीं आएगा और ये राक्षसी मेरे को डालेगी नहीं होगी, मेरा क्या होगा। ये सोचा आप तो घर जाके बोलते रहे थे सुनो वो आज भी कई दूर गया, तो 5 days 7 days भी लग सकता आने, तुम सिचुएशन को समझ लो मेरे को रोगी दे दो। वो कहती है कि मैंने सब सिचुएशन समझ लिया, तुमको बहुत छोटा काम दिया है, आज तक तुम कोई काम नहीं करते, कम से कम एक घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति का फेस देखने का काम भी तुम नहीं कर सकते, तुमको रोटी नहीं मिलेगा, भले 5 दिन हो 7 दिन हो 10 दिन हो, जिस दिन उसका चेहरा देखोगे तभी रोटी मिलेगी। कभी कभी डॉक्टर को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, ध्यान रखना, अगर डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करते समय सोचे कि इसको दर्द होगा ऑपरेशन कैसे करें, वो ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट को बीमारी पड़ेगी, मर नहीं जाएगा। तो आपको भी मैं निवेदन करता हूँ कि जीवन में कभी कभी कहीं किसी चीज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको सख्त होना पड़े, तो समझ लेना कि सख्ती से ही मेरे घर में कल्याण होगा, तो वो सख्ती भी बरतना पड़ेगा, वो जरूरी। अगर वो सख्ती नहीं बरतोगे छोड़ दोगे तो काम ढीला पड़ जाएगा। अब पत्नी ने कह दिया कि 100% तुम वो देखोगे तो ही खाना मिलेगा, अब वो आएगा 5 दिन बाद के 7 दिन बाद गारंटी नहीं, अब क्या करें महाराज बोलो। पहली बार 3 साल बाद इसने कार पकड़ा, सोचा कि वो कहां है, एड्रेस ले लिया और सोचता है कि वो जान भी है, मैं जाके उसका चेहरा देख के आ जाऊंगा, 2 घंटा 100 माइल को लगेगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो कल सुबह तक भूखा रहूंगा, मेरे हाथ की बात नहीं है, चले जाऊंगा देख लो उसका चेहरा। कार उठाया, नेबर से एड्रेस ले लिया कि वो कहाँ है उसका जमीन, और अपने कार में वो GPRS क्या बोलते हुआ GPS डाल दिया। अब वो बोलता है टर्न लेफ्ट टर्न राइट कैसे जा रहा है, हाँ अब वो वहां पहुंच रहा है, इधर वो जा रहा है तो उधर जो कुआ खोद रहा है नेबर, ये पहुंचना रहा है, वो कुआ खोदते समय देखता है खंड खंड कोई आवाज आ रही है, जैसे ही आवाज आया ये सोचा ये तो पत्थर का आवाज नहीं कोई मेटल का आवाज आ रहा है, ये क्या आवाज आ रहा है, ऐसे सोच के उसने ऐसे से मट्टी उठाया, देखा कि बहुत बड़ा बड़ा घड़ा मिल रहा है, वो घड़े को जैसे ही उठाया तो धीरे से देखता है कि अंदर कपड़ा जो है ऊपर खुला हुआ, वो कपड़ा निकालता है, तो कपड़ा निकालने के बाद देखता है अंदर हीरे डायमंड्स ज्वेल्स सोना चांदी माल मसाला सब भरा पड़ा,
आश्चर्य में पड़ गया कि मैं कुआं खोदने आया दुनिया में, रोज तेरा सुबह आपके मंदिर में दर्शन करता था, तुमने मेरे को घड़ा पकड़ा दिया इतना बड़ा, तेरे दर्शन का पुण्य मेरे को इतना बड़ा दे दिया, धन्य है माँ तुझे बड़ा। ये अब घड़ा देख ही रहा है ना, वो कार से उतर के नीचे आ गया, जैसे कार से आया उसको तो इसका चेहरा दिख गया। इसका चेहरा देखना था, चेहरा देखते इसको इतना खुशी हुआ, ये चिल्लाता है कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और उधर उसको सुनाई पड़ गया कि आपके लिए यहाँ हुआ कोना कौन चिल्ला रहा है, अरे अपना घड़ा इसने देख लिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं तो गवर्नमेंट ले लेगा ये पूरा माल। वो उधर से की आवाज करता है कि डोंट शाउट, कम लिया नहीं। और नजदीक आ इसको सोचे कि क्यों बोल रहा है, उसको तो बहुत खुशी, चलो इसका चेहरा देख के आप घर जाएंगे तो रोटी मिलेगी शांति से रोटी खाएंगे। इतने में ये बुला के कहता है डोंट शाउट एंड डोंट टॉक एनीथिंग, यू नो एंड आई नो, वी ओनली नो, सो आई विल गिव यू हाफ पार्ट ऑफ द जल, डोंट से एनीबॉडी। इसको आया कि क्या एकदम नीचे झुक के देखे तो चमक रहा है, चम 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 देखे तो हीरा पटना माणक मोती टुकड़ा नीलम डायमंड क्या क्या चीज भरे, कोई लिमिट नहीं इतना बड़ा घड़ा, और आधा घड़ा इसको दे दे। ये सोचे मैं कभी दुनिया माँ के धाम में भी नहीं गया, दर्शन भी नहीं किया, जो दर्शन करता है उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा देखने से आधा घड़ा मेरे को मिल गया, तो इस माँ का ही चेहरा देखने उसी समय उसका डिप्रेशन भी भाग गया। और उस दिन से ये रमेश भाई रोज आते जो यहाँ बैठे थे वो यही उनको बड़ा मिल गया, इसलिए उनको नहीं बताता हूँ कि वो भूलना था इसको पकड़ा दो भी डॉक्यूमेंट में उसका गड़ा मिल तो होगा। आपको भी गड़ा चाहिए तो माँ की भक्ति करो, अगर धन का गड़ा मिले ना मिले ये तो राम धन है, लेकिन जो भगवती का चरण पकड़ेगा उसको खुशी का गड़ा और मोक्ष का गड़ा तो मिल ही रहेगा, उसको मोक्ष का गड़ा।